बोला ना तब से मेरा मन कर रहा है कि कब मैं ये वाला वीडियो आप लोग के साथ फेस करूँ। बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बोल रहे हैं कि ऑडियो कॉल पे आओ, ऑडियो कॉल पे आओ, ऑडियो कॉल पे, और उसको मैसेंजर में ना कॉन्टिन्यूसली ऑडियो कॉल कर रहे हैं, और वो बंदा पहले कॉल उठाया नहीं, लेकिन लास्ट में वो क्या कहना ना कॉल उठाया था। इतने में क्या हुआ, जो हैकर भाई साहब है वो लड़की का अकाउंट से ये सब कर रहा है। अब हो सके जिस लड़की का इतना सारा फोटो लगा है वो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। वो पीछे दोस्त बोल रहा है कि ये जो सड़क है ना इसको लीज में ले लेगा और रेनी सीजन में मतलब बारिश में इसमें फिशिंग करेगा, ब्रो फिशिंग। बाकी चेक इट आउट गाइस, ओ माय गॉड, जस्ट कितना प्रीमियम लग रहा है ना गाइस। ये दिस इज सो बिग एंड यू गाइस आर वाचिंग एसएम ब्लॉग्स। सुबह सुबह मैं आ गया, मतलब जब से नींद खुला ना तब से मेरा मन कर रहा है कि कब मैं ये वाला वीडियो आप लोग के साथ फेस करूं। बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे बंदों के साथ ये हो रहा है, शायद से आप लोग को नहीं पता। अब क्या चीज़ है, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के भी काम में आएगा, क्या पता कल बद परसों आप लोग के साथ भी ये चीज़ हो जाए, और उसके होने के बाद अगर पता चला तो क्या फ़ायदा। सो ये जो कहानी है ये मेरे एक नॉन पर्सन के साथ ही हुआ एक दिन पहले। बात था कि उसका ना एक गेमिंग आईडी था, और गेमिंग आईडी आप लोग को पता है फेसबुक के साथ रिलेटेड होता है। सो गेमिंग जो आईडी था वो बंदा अलग है, और जिसका फेसबुक में वो गेमिंग आईडी चला रहा था वो बंदा अलग है। अब वो बंदे के पास एक दिन पहले एक लड़की का फेसबुक पे रिक्वेस्ट आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद वो बंदा इतना मोबाइल पे मतलब जानता भी नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको नॉलेज भी नहीं है, और जिसका गेमिंग आईडी है वो दूसरे जगह पे गेम खेल रहा है, ठीक है। सो ऐसा होता है सुबह फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे यूजुअली होता है यार, लड़की का रिक्वेस्ट आया एक्सेप्ट कर लिया, होता है ये सब कॉमन चीज़ है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या ना उसको मैसेज आने लगा उसी आईडी से। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना ये सारे के मैं प्रूफ दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि है इसलिए मैं आपके शेयर करूँ। देखो ऑल दो मैं है ना मैं इतना मोबाइल गेमिंग पे इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं कभी नहीं खेलता फ्री फायर पबजी वबजी मैं कभी खेलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप लोग के साथ भी हो जाए और आप लोग का भी नुकसान हो जाए। तो उसके बाद मैसेज आया, हाय हेलो, बहुत सारा मैसेज आने के बाद उसने रिप्लाई किया कि कौन हो, मतलब बंगाली में किया, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, कौन हो, कहाँ से हो, ये सब रिप्लाई किया। फिर होने के बाद वो पहले ही बोल रहा है लड़की के वीडियो कॉल पे आओ, वीडियो कॉल पे आओ, ऑडियो कॉल पे आओ, वीडियो कॉल नहीं सॉरी, वो लड़की बोल रहा है कि ऑडियो कॉल पे आओ, ऑडियो कॉल पे आओ, ऑडियो कॉल पे आओ, और उसको मैसेंजर में ना कॉन्टिन्यूसली ऑडियो कॉल कर रहे हैं, और वो बंदा पहले कॉल उठाया नहीं, लेकिन लास्ट में वो क्या कहना कॉल उठाया था, कुछ ही सेकंड के लिए वो बंदा ना कॉल उठाया था मैसेंजर में। अब इतने में क्या हुआ, जो हैकर भाई साहब है वो लड़की का अकाउंट से ये सब कर रहा है। अब हो सके जिस लड़की का इतना सारा फोटो लगा है वो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा कौन सी आईडी है, उसका भी हो सके कि उसका भी हैक करके रखा हो। लेकिन वो क्या ना एक लड़की तो उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि जो वॉयस भेजा था ना एक लड़की का ही वॉयस था। उसके बाद उसने कॉल उठाया था मैसेंजर पे, उठा के कुछ ही सेकंड रखा, इतने में उसका फेसबुक हैक कर लिया। अब हैक करने के बाद आपको गूगल से एक मैसेज आता है, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मैं डाल रहा हूँ, ये जो लिखा है उसमें एग्री भी नहीं किया था उसने, ठीक है। तो उसके वजह से पता नहीं कहाँ से ये कैसे एक्सेस मिल जाता है भाई, तो उसने पूरा आईडी भी हैक कर लिया, फेसबुक आईडी, उसके थ्रू भी जो गेमिंग आईडी है ना इसका भी हैक कर लिया। अब हम लोगों ने पता लगाया एक दो दोस्त के साथ में ना दो तीन दिन पहले, मतलब दूर का जान पहचान का दोस्तों के साथ भी हादसा हो चुका है, ठीक है, सेम आईडी से हुआ। सो इसीलिए मैं सोचा नहीं ये वाला चीज़ आपको शेयर करना चाहिए। सो बस यही चीज़ था कि मैं बताना चाहता आप लोग को कि आपका जान पहचान का अगर कोई है गेमिंग आईडी वाला तो उसको ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन है पहुंचा दीजिए कि ऐसा कोई आईडी से कॉल आया या फिर रिक्वेस्ट है, इसको तुरंत ब्लॉक करो, रिपोर्ट मारो। मतलब मैंने ये स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ, वो लड़की का जो आईडी है उसको दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ है स्क्रीनशॉट में सारे शेयर कर रहा हूँ, कौन सी आईडी हैक हुआ है सब कुछ। और जो हम लोग ने अभी सोच रहे थे आज मतलब कल हुआ, आज हम लोग सोच रहे थे कि जाए एक साइबर सेल पे भी रिपोर्ट करके आए, लेट्स सी देखते हैं। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था, और बाकी देखो एक बार नज़ारा दिखा दे भाई, पास का नज़ारा दिखा दे, ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ना इसमें आने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है वो मैं दिखा रहा हूँ, मतलब क्या होता है इसके आने के लिए। एक बार कैमरा दे भाई, पहले नज़ारा दिखा दे, हाँ अब एक बार कैमरा दे, और ये नज़ारा फुल मतलब ये ब्यूटीफुल जगह पे आने के लिए क्या दिल से जो मतलब तकलीफ होता है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मतलब रोड के हालत इतना गंदा था भाई, ये देखो मेरा व्हील देखो सारे लाल हो गए भाई। अब जाने के टाइम मैं दिखाऊंगा मोटर ब्लॉगिंग मतलब हेलमेट में लगा लूँ कैमरा के रोड कैसा है भाई, पूरा बेकार है, सिर्फ थोड़ा लोकेशन अच्छा है, इधर पे कोई नहीं आता है तो खुल के मैं आप लोग के साथ ब्लॉग कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस जगह पे आता हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा फोटो वोटो खींच लेंगे अभी आया है तो। सुना है दिमाग पर रखो, और इसके बाद चलते हैं, अभी और एक काम है आज जिसके लिए मैं निकला हूँ, मेरा जो लैपटॉप है ना उसके लिए एक भैया ने मतलब स्क्रीन ऑर्डर करके रखा था लैपटॉप के ऊपर, ग्राफिक्स वाला, वो मैं आज इंस्टॉल करवाना हूँ लैपटॉप के ऊपर लगाने वाला हूँ, तो उसको भी दिखाएंगे। और भाई
ये चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर आपका दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करता कि वो लोग भी सतर्क हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद दूसरों की इन्फॉर्मेशन देते ताकि उनका आईडी भी हैक ना हो जाए। ठीक है, चलो अभी इधर से निकलते हैं, उसके बाद आपको लोकेशन दिखाते हैं कि कौन सी रोड को क्रॉस करके हम लोग, ठीक है, मतलब भाई ऑफ रोडिंग का लिमिट क्रॉस कर जाते ये रोड, उसके बाद ही हम लोग इधर पहुँच पाते। तो लेट्स गो, अभी चलते हैं इधर से, उसके बाद दिखाते आपको कि लैपटॉप को और मैं कैंसा वाला स्क्रीन डालने वाला हूँ और कैसा लगता है। This for the players out there, check out this dope shit, man. Hey, it's down and down, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my fanny, trying to pay in my state, my state. बारिश में आओ रेनी सीजन में तो समझ लो अब गए पूरे खत्म। ओनली अगर आप एक बोर्ड लेके आओ ना तो वो ही अलाव है भाई इस जगह पे, नहीं तो भाई पूरा हालत ख़राब है। अगर एक दूर से कार आएगा या फिर ट्रक आएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना धूल है और कितना ज़्यादा अनइवन रोड है। अभी शायद से आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी यस लेट्स गो, अभी वो स्क्रीन जो हमने सिनेमैटिक शॉट देखा उसको हमने इंस्टॉल करवाना है लैपटॉप के ऊपर और कमेंट करके आप लोग बताना कि कैसा लगेगा या फिर कैसा लगा है। और जो भैया ने भी एक लैपटॉप के ऊपर डाला है उसका भी लिंक दे दूंगा, उसका भी सिनेमैटिक दे दूंगा मैं, आप लोग देख के बताना किसका अच्छा है। और ये वाला भी भैया ने भी ऑर्डर किया था सो लगा ही लेते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। भी ये आइडिया भाई सही है, वो पीछे दोस्त बोल रहा है कि ये जो सड़क है ना इसको लीज में ले लेगा और रेनी सीजन में मतलब बारिश में इसमें फिशिंग करेगा ब्रो, फिशिंग। Out. If you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight. सो गाइस राइट नाउ अभी मेरे हाथ में है लैपटॉप और ये नेक्स्ट डे है, उस दिन मैं घर चला गया था। सो ग्राफिक्स तो भाई कितना कूल लग रहा है और ये जो स्किन है ना, ये स्किन कौन सी साइड से लिया है मैंने ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अगर आपको भी लेना है तो आप लोग जाओ और चेकआउट करो। बाकी चेक इट आउट गाइस, ओ माय गॉड जस्ट कितना प्रीमियम लग रहा है ना गाइस। ये इसके अंदर भी है, अभी पीछे वाला पे नहीं है, सिर्फ सामने पे ऐसा है और इसके अंदर एक मिनट। और गाइस दिस इज़ द इनसाइड, ये इधर पे मैंने जो टच वाला एरिया है ना इसको मैंने उठाया नहीं क्योंकि इसके ऊपर से टच ले रहा था, सो मैंने छोड़ा अभी इधर इसका रख नहीं देते। तो बाकी बस इतना ही था और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। सो यू गाइस नो दैट इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू कमेंट शेयर वीडियो फ्रेंड्स एंड अदर्स, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग पे। और इसके बाद भाई संडे राइड, बहुत दिन बाद, स्टे ट्यून चैनल पे और दोस्तों के साथ शेयर करो और ये फ्रॉड से ना भाई दूर ही रहो,
क्या पता आज गेमिंग में हो रहा है, कल आपका बैंक अकाउंट के साथ हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने शेयर कर दिया, बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिकवरी करने का और उसको पकड़ने के लिए। बाकी तो मिलते, अगर मिल जाए तो भाई समझ जाओ। बाय बाय।